एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गूगल स्कॉलर से किस तरह रेफरेंसेस जो हैं वो अपने जो एंड नोट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उनको साइट कर सकते हैं, ताकि आप जब लिख रहे हैं तो आप न सिर्फ रेफरेंसेस मुकम्मल बना सकें बल्कि इंटेक्स साइटेशन भी कर सकें। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गूगल स्कॉलर को इस्तेमाल करके आप किस तरह अपने रिसर्च पेपर, अपने असाइनमेंट, अपने टर्म पेपर और अपने थीसिस के लिए रेफरेंसेस बना सकते हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो नीचे मैंने उसको कमेंट्स में नीचे मैंने उसको डाला है, उसका लिंक डाला है, आप ज़रा उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि गूगल स्कॉलर को यूज़ करके रेफरेंसेस कैसे बनाते हैं। आज का लेक्चर उसी की एक्सटेंशन है। आज हम आपको बताएंगे कि गूगल स्कॉलर से किस तरह रेफरेंसेस आप एंड नोट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर आप इनटेक्स्ट साइटेशन करते हैं और आपको टाइटल का पेपर के पता है या बुक का पता है तो आप वो गूगल पे डालेंगे तो गूगल आपके लिए रेफरेंस बना देगा, आप उसको कॉपी करके जाके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कबात है कि उसमें आप उनको अल्फ़ाबेटिकली फिर बाद में अरेंज करेंगे, वो रेफरेंसेस अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं होंगे। बाज़ का तो हो सकता है इनटेक्स्ट साइटेशन हो और आप मुकम्मल हवाला बनाना भूल जाएँ, लेकिन अगर आप रेफरेंसेस को एंड नोट से इम्पोर्ट करके लेके जाते हैं अपने गूगल स्कॉलर से इंपोर्ट करके अपने एंड नोट में लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर अगर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ लिख रहे हैं, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि फिर आप जब इनटेक्स्ट साइटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो रेफरेंस एंड पे बन जाएगा, तो आपके जो रेफरेंसेज हैं उनके अंदर डिस्क्रीपेंसी नहीं आएगी। तो ये जी आपका इंटरफेस है गूगल स्कॉलर का। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके सिस्टम पे एंड नोट होना चाहिए। मेरे ये सिस्टम पे एंड नोट जो है इंस्टॉल है, मैंने इसको ओपन किया हुआ है, तो सबसे पहले आप एंड नोट इंस्टॉल कर दें। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड पे गूगल स्कॉलर के ये तीन लाइन्स आ रही हैं डॉट्स, यहाँ पे जाके क्लिक करें, यहाँ से आप सेटिंग्स में जाएं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ चलिए बता देता हूँ, आप यहाँ पे कोई पेपर जो है उसका टाइटल पेस्ट करें। मैंने फ़र्ज़ करें ये देखें ये एक पेपर है जी, मैंने इसका टाइटल पेस्ट किया और एंटर किया। आप ये देखें जी सेव है, साइट है, साइटेड बाय, ये पेपर छः लोगों ने साइट किया है, रिलेटेड आर्टिकल ऑल फोर वर्जन इम्पोर्ट टू बिबटेक्स। अब यहाँ पे देखें कहीं भी एंड नोट शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको इसकी सेटिंग करनी बताऊँगा कि जब हम सेटिंग करेंगे तो उस वक्त फिर यहाँ पे एंड नोट आ जाएगा और फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो रेफरेंस आपके एंड नोट के अंदर चला जाएगा। तो हम वापस जाते हैं जी, ये देखिए हम दोबारा इसके इंटरफेस पे आ गए, इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, सेटिंग्स पे जाएं और सेटिंग्स के बाद आपके पास ये इसका पेज खुल गया। ये जो है रिजल्ट्स पर पेज आपको बता रहा है कि आप कितने एक पेज पर रिजल्ट देखना चाहते हैं, 10 देखना चाहते हैं, 20 देखना चाहते हैं, हम 20 कर देते हैं, ज़्यादा रिजल्ट आएंगे कोई आप क्वेरी करेंगे। वे रिजल्ट्स ओपन, ओपन ईच सिलेक्टेड रिजल्ट्स एंड ओपन ब्राउजर विंडो, ये खुल जाएगा। बिब्लियोग्राफी मैनेजर कौन सा होने, डोंट शो एनी साइटेशन इम्पोर्ट्स लिंक्स और शो लिंक्स टू इम्पोर्ट साइटेशन इनटू, यहाँ पे आप ये बिबटेक्स लिखा है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ देखें ये आपके रेफरेंस यानी जो बायो बिब्लियोग्राफी मैनेजर्स हैं वो चार के चार दिए हुए हैं, बिबटेक्स है, एंड नोट है, रेफ मैन है और रेफ बॉक्स है। हम यहाँ से एंड नोट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम वापस आते हैं, यहाँ पे पेपर का टाइटल दोबारा पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं और अब आप देखें जी ये यहाँ पे एंड नोट ऑलरेडी आ चुका है, ये देखें ये एंड नोट आ चुका है। अब आपने सिंपली करना क्या है, आपने सिंपली करना ये है कि आपने जब कोई पेपर खोलना है तो उसके आपने यहाँ एंड नोट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और ये क्या करेगा ये देखें आपकी साइटेशन जो है वो डाउनलोड हुई है, डाउनलोड होकर यहाँ आ गई है और ये ओपन होगी, इस पर आप क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका जो रेफरेंस है ये ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइब्रेरी है, नीचे आपने लाइब्रेरी ओपन की, मैंने एंड नोट को ये देखें ओपन किया हुआ है, ये मेरा एंड नोट ओपन है, इसको अब मैं मिनिमाइज करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, ये मेरा रेफरेंस ये डाउनलोड हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ या आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा ये मेरी इस लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये देखें इसके अंदर पहले कोई रेफरेंस नहीं था, ऑल रेफरेंसेज वन है, इंपोर्टेड रेफरेंसेज वन है, रिसेंटली एडेड वन है और अनफाइल्ड वन है, इस पर क्लिक करें
तो आप देखें ये मुकम्मल हवाला बन चुका है, फर्स्ट ऑथर एंड देन सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, ईयर, देन टाइटल ऑफ द पेपर, देन मीडिया वॉच, नेम ऑफ द जर्नल, देन वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर एंड पेज नंबर्स. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंड नोट. अब यहाँ पे ये सफर खत्म नहीं होता. अब आप इसको अपने पेपर के अंदर साइट करना चाहते हैं, ठीक है. ये फर्ज करें आप इसको, मैं कॉपी करता हूँ और आप, मैं बताता हूँ इसको करना है कैसे. इसको मैंने कॉपी किया, एक डॉक्यूमेंट में लेके गया. फर्ज करें यहाँ पे आप अपना पेपर लिख रहे हैं ना जी, ये आपका पेपर है, आप इसको लिख रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ इसका काम है क्या, व्हाट्स द मैजिक विद इट. ये देखें जी, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से जी, ये एक बार इसकी मैंने सेटिंग कर दी, टाइम न्यू रोमन कर दिया, 12 कर दिया. अब हम लिखते हैं जी, ट्रेडिशनल मीडिया आर मोर इफेक्टिव इन रूरल एरियाज बिकॉज टेक्निक्स आर सिंपल एंड ईजी. ओके, ट्रेडिशनल मीडिया कैन इफेक्टिवली स्टेयर द फीलिंग्स एंड अफेक्ट द एटीट्यूड्स ऑफ इलिटरेट मासेस. ओके, देर इज नो बिकॉज दे रिफ्लेक्ट कल्चर एथोस एंड क्लोजर टू द हार्ट्स ऑफ द कॉमन मैन इन रूरल एरियाज. अब फर्ज करें आप यहाँ पे रेफरेंस देना चाहते हैं, यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आपने कर्सर रख दिया क्योंकि फुल स्टॉप से पहले रेफरेंस आता है ना. तो मैंने ये देखे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको वाजी नजर आए. ये देखे मैंने कर्सर जो है फुल स्टॉप से पहले, और ये सारी बात मैंने कहीं से ली है, उसको पैराफ्रेज किया, या मैं इसका हवाला देना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, या आप ये आर्गूमेंट लिख रहे हैं, यहाँ से हम शुरू कर देते. मैं लिखता हूँ, मीडिया प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग इश्यूज एंड देयर एट्रीब्यूट्स. यानी इश्यूज और उनके एट्रीब्यूट्स, इश्यूज क्या हैं और उन इश्यूज के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो डिफाइन करने में मीडिया इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. तो यह मैंने कर्सर रखा. अब मैं यहाँ गया जी, यहाँ जाने के बाद ये मेरा हवाला है, ये रेफरेंस है, ये कौन सा है, 2023 है. वापस आ जाए आप यहाँ आए, ये आपका पेपर है जी. तो आप यहाँ जाए, ये देखिए एंड नोट है, इस पर क्लिक करें, या इंसर्ट साइटेशन में आ जाए, यहाँ से इंसर्ट साइटेशन करें, और यहाँ आप लिखें जी 2023. ये देखें जी 2023 में ये वाला हवाला वो बन के आ गया, यूसुफ वाला, यूसुफ फर्स्ट ऑथर है. आप इसको यहाँ पे जाएं और इंसर्ट कर दें. इंसर्ट करेंगे तो आप देखें द मैजिक, देखें यहाँ पे इंडेक्स साइटेशन बन गई है, यूसुफ एट ऑल, क्योंकि ये तीन ऑथर हैं, तो फर्स्ट ऑथर एंड देन कोलीग्स एट ऑल. ये जब तीन ऑथर हों तो एट ऑल बन जाता है. और ये देखें नीचे ये मुकम्मल एक हवाला बन गया. इसको आप यहाँ से टाइम न्यू रोमन कर दें एक बार, और उसके बाद इसको यहाँ से 12 कर दें, और यहाँ आप लिख दें रेफरेंसेस. अब जितने आप रेफरेंसेस ऐड करेंगे, इसको सेंटर में कर दें, बोल्ड कर दें, वो नीचे अल्फाबेटिकली ऐड होते जाएंगे. फर्ज करें आप यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं, तो हम जाते हैं, यहाँ हम लिखते हैं फोक मीडिया इन पाकिस्तान. ओके जी, देन आई एंटर इट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू फोक म्यूजिक एंड डांस. मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, और ये साइटेशन यहाँ पे आ गई, मैंने इस पर डबल क्लिक किया जी, और ये मेरी लाइब्रेरी के अंदर चली जाएगी जी. ये देखें ये मेरी लाइब्रेरी के अंदर आ गई. ये दो साइट, दो पेपर आ गए ना, दूसरी साइटेशन भी यहाँ पे आ गई. अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसको मैं साइट करना चाहता हूँ, तो मैं जाके 2011 है, तो मैं अपने पेपर में आता हूँ, ये अपने पेपर में आया. इसको मैं फ़र्ज करें जी यहाँ पे साइट करना चाहता हूँ, तो मैं एंड नोट पे गया जी, यहाँ पे गया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया. अब इसको फर्ज करें और मैं यहाँ 2011 लिखता हूँ, तो पेपर आ जाएगा. ये देखें पेपर आ गया, लेकिन मैं इसको, ये पहले वाला जो रेफरेंस मैंने दिया है, ये नीचे वाला, वो मैंने, ये मैं आपको इसको ज़रा सेट कर लूँ, ये बताता हूँ. ये वाला देखें ज़रा, ये मैंने प्रिंथेटिकल साइटेशन की है, ये वाली प्रिंथेटिकल की है. अगर यहाँ पे मैं नैरेटिव करना चाहता हूँ, व्हाट आई विल डू हियर, तो मैं क्या कहूँगा, फोक आर्ट्स, यहाँ पे मैं रेफरेंस करना चाहता हूँ और नैरेटिव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा इंसर्ट साइटेशन में. ये देखें यहाँ पे आ जाए इंसर्ट. अब मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये प्रिंथेटिकल साइटेशन के फॉर्मेट में साइट होगा. मैं यहाँ जाता हूँ और ये मेरे पास इसने चार ऑप्शन दिए. मैं कहता हूँ इंसर्ट एंड डिस्प्ले एज ऑथर ईयर, यानी ऑथर आए और फिर अंदर साल आए, इसको ऐसे साइट करना है. तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए, ये देखें जी, तो मैंने, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ कि एग्जामिन्स दैट. तो आप ये देखें, ये वाली जो मैंने साइटेशन की है, ये वाली, इसको मैं कोई कलर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर, ये वाली और ये वाली, दोनों में फ़र्क ये है कि ये वाली जो साइटेशन है,
ये पैरेंथेटिकल है और ये वाली जो है ये नैरेटिव साइटेशन है। अगर इनमें आप फर्क जानना चाहते हैं क्या है, तो इसका लेक्चर भी नीचे मैंने कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैंने नीचे लिंक डाला है, हाउ टू गिव प्रॉपर साइटेशंस करेक्टली, उसको आप देख सकते हैं। तो आप ये देखें, असल खूबसूरती ये है कि दोनों रेफरेंसेज अल्फाबेटिकली खुद ब खुद बन गए। तो जब आप पेपर लिखना चाहते हैं, अगर आप रेफरेंसेज यहाँ से गूगल स्कॉलर से एंड नोट में लेके जाएं और एंड नोट से इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इम्पोर्ट करें, उसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे साथ आप इंटेक्स साइटेशन करेंगे, मुकम्मल हवाला मुकम्मल बनता जाएगा। मैं आपको एक और मैजिक बताता हूँ, ये देखें, इसका फॉर्मेट में हर बार चेंज करता हूँ और ये चेंज हो जाता है, ये दोबारा कोई और हो गया है। इसका मैं आपको इलाज बताता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, ये मेरी वो फाइल पड़ी हुई है, तो मैं जाता हूँ जी कहाँ पे, मैं यहाँ आ जाता हूँ, एडिट फाइल नो रेफरेंसेस, और मैं इसको कहता हूँ जी के कॉपी रेफरेंसेस, कॉपी टू प्रेफरेंसेस, न्यू लाइब्रेरी, एडिट रेफरेंसेस, देन फाइल अपडेट फिगर, एंड देन ग्रुप्स, एंड देन लाइब्रेरी, एंड देन टूल्स। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये टूल्स के अंदर आप आए तो ये लिखा हुआ है साइट व्हाइल यू राइट, तो इस पे मैंने क्लिक किया, ये मुझे कहता है फॉर्मेट बिब्लियोग्राफी, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, ये रोड बनेगा, मैं इसको कहता हूँ फॉर्मेट करो मेरी बिब्लियोग्राफी को, ये मेरे सामने आ गया। यहाँ पे मैं लेआउट पे जाता हूँ जी, और लेआउट पे जाने से पहले ये देखे जी, जब लेआउट आया तो यहाँ से मैं इसको, ये कैलिबरी है, मैं इसको टाइम न्यू रोमन्स कर देता हूँ जी, ये कर दिया ओके, इसको मैं 12 कर देता हूँ जी, और इसको जो ये लाइन स्पेसिंग है सिंगल, इसको मैं 2 कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने ये किया मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये परमानेंटली आप देखें मेरा पेपर फॉर्मेट हो गया। अब जैसे जैसे मैं करूँगा रेफरेंसेज ऑटोमेटिकली इस तरह डबल लाइन स्पेस टाइम न्यू रोमन 12 फॉन्ट साइज के साथ बनते जाएंगे, मुझे बार बार इनका जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें किस तरह गूगल स्कॉलर से एंड नोट के अंदर आपने रेफरेंस को इंपोर्ट करना है, एंड नोट से किस तरह व्हाइल यू आर राइटिंग उसको साइट कैसे करना है, यानी राइटिंग एंड साइटिंग टुगेदर कैसे करनी है, इंटेक्स साइटेशन कैसे करनी है, मुकम्मल हवाला कैसे ऑटोमेटिकली बनेगा, इसके गिर्द आज का लेक्चर घूमता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे एंड नोट करेंगे और उसके साथ ये मैजिक करेंगे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है रिसर्च की, लिखने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत उसमें रवानी आएगी, उसमें बहुत आसानी आएगी, उसमें बहुत एक्यूरेसी आएगी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपका कोई फीडबैक हो, आप कोई कमेंट देना चाहें, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आएँ, आपके सवालों के, आपके इश्यूज के मैं जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कैन एग्री, वी कैन डिसएग्री, एंड वी कैन लर्न हाउ टू एग्री टू डिसएग्री। इसके नतीजे में हम एक पढ़े लिखे मुआशरे की, एक एजुकेटेड कम्युनिटी की यहाँ पे इस साइबर स्पेस पे तश्कील कर सकते हैं। कीप वॉचिंग।